आयुष्मान भारत को यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि हर साल आप इसी तरह का आयोजन करो, लोगों को जमा करो, युवाओं को जमा करो, उनको खेल के माध्यम से जोड़ो और अच्छा काम करो। युवा सेना के माध्यम से इन्होंने जो ये जो आयोजन किया था मैच का, और आज इनका जन्मदिन भी है और महाराष्ट्र दिन भी है, ये सारी चीज़ों का जो मेल हुआ बहुत अच्छा था हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए। तो हम इनको यही शुभकामना देना चाहते हैं कि आप इसी तरह के आयोजन हमेशा करते रहो, युवाओं को जोड़ो और अच्छा कार्यक्रम करो। हमारे पक्ष से और हमारे से जो भी सहयोग बनेगा हम आपके साथ में हैं हमेशा, और आप इसी तरह प्रगति करते रहो, हर साल तुम्हारी दिन ब दिन प्रगति होवे, यही हमारी शुभकामना। एक में है महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन, और मेरे दोस्त इरफान का वाढ़दिवस है, एकदम शुभ दिन है। और शुभ दिन के अवसर पर इरफान ने युवा सेना के माध्यम से मलाड़ के जो युवा है उनके लिए अच्छा तोहफा दिया हुआ है। मैं इरफान को इस दिन पे कहूँगा, हर साल जैसा लालू भाई ने कहा, हर साल आप अच्छा ऐसा आयोजन करिए, आपके माध्यम से आपके हाथों से इस मलाड़ का अच्छा काम हो, लोगों का काम हो, लोग उपयोगी काम हो, युवाओं को एक मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिले। आज के दिन पे बहुत बहुत शुभकामना, आप अगर और आगे बढ़िए। शुभेच्छा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्रिकेट ऐसा है कि ये ग्राउंड बहुत पुराना है हमारे यहाँ पे, और यहाँ के जो यंग स्टार लोग हैं क्रिकेट के बहुत शौकिंग है, तो अक्सर मैं यहाँ इनके साथ रहता हूँ, मैं भी इसी ग्राउंड में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अक्सर बोलते कि भाई आपको एक मैच रखो हमारे लिए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा मैच करने की, उनकी खुशी के लिए मैंने किया। और इसमें हमको जितने भी मेरे साथी हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। मैंने देखा 10 से 12 दिन से लोग डे नाइट यहाँ पे ग्राउंड में काम करा रहे हैं, साफ़ सफाई करा रहे हैं, पिच बना रहे हैं यहाँ पे, और दो दिन से लगातार भी कंटिन्यूस डे नाइट यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे पूरे दिन भर धूप में खड़े हैं, बॉल लेने जा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी मदद से, और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे भाई जो सब हैं, लालू भाई है हमारे बड़े भाई हैं, संतोष भाई हैं, रमाकांत भाई हैं और अश्विन भाई, इन्होंने मुझे पूरा साथ दिया हमेशा, और इनका साथ मेरे साथ हमेशा रहता है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने की रहता हूँ। जब बड़ों का साथ रहेगा तो आगे बढ़ने के लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो बस इनका ये है कि यही आशीर्वाद बनाए रखो मेरे पे, बस मैं करता रहूँगा, जितनी मेरे से सेवा हो सके उतनी मैं करूँगा। ऐसा है कि आज महाराष्ट्र दिवस भी है, उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक मैंने युवा सेना के ऊपर जो मैच रखा है, हमारे आदित्य साहब का एक सपना है कि युवा को एक क्रेज करना, बढ़ाना। आदित्य साहब का एक ये है कि मतलब युवा को जोड़ना, एक हम भी एक युवा हैं और आदित्य साहब की टीम में काम करते हैं, हमारे सुप्रीमो युवा सेना प्रमुख हैं, बस उनके ही सपने के साकार के पीछे हम भी लगे हैं कि यंग स्टार जो एक जुड़ता है वो खेल से जुड़ता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उसको एक मनोरंजन चाहिए, तो जिसको जो मनोरंजन रहता है वो एक स्पोर्ट्स चीज़ है, बस उसी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। सब आए, मुझे शुभकामना दिए, बहुत अच्छा लगा, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सबका सहयोग था, बड़े भाइयों का, सबका, यहाँ के लोकल अस्थाई सब लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया। मेरी जो सपोर्टर है यहाँ पे, दो टीम्स है, पटेल बॉयज और मचाओ 11, उसके पूरे टोटल्स प्लेयर ने यहाँ पे मेहनत किया है। और हमारे कमेटी के जो मेन है वो संतोष पटेल हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। कमेटी जैसे हमने 5 कमेटी मेंबर बनाए थे, संतोष पटेल, राहुल मोहिते, एलेक्स फर्नांडिस और शाकिर अंसारी और राहुल मनोज मोहिते, तो ये 5ों ने यहाँ पे बराबर सबको मैनेज रखा, उस हिसाब से सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट हुआ। और यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन का भी हमको पूरा सहयोग मिला है टूर्नामेंट में, कुछ भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने दी, यहाँ पे खुशी से ये प्रोग्राम 2 दिन में हमने कंप्लीट किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।